गुस्सा हम सभी का दुश्मन होता है। जी हाँ, ऐसा आपने सभी को बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुना होगा। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आज मैं आपको दो बहुत ही आसान उपाय बताऊंगी। कहते हैं जिस इंसान ने अपने गुस्से को कंट्रोल कर लिया वो आधी लड़ाई ऐसे ही जीत जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे आसान उपाय बताने वाली हूँ जो आपके गुस्से को कंट्रोल करने में आपकी मदद करेगा और साथ ही साथ जो आपके गुस्से की वजह से परेशानियां आपको आपकी लाइफ में होती हैं वो होना बंद हो जाएंगी। क्या है वो दो उपाय मैं आगे वीडियो में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो धर्मा लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोज आपका इंतजार कर रही है धर्मा लाइफ पर, जो आपकी लाइफ को आसान बनाती है, जो आपकी जीवन की परेशानियों को दूर करती हैं। तो गुस्सा कम करने के दो उपाय कौन से हैं? पहला उपाय, अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो करना आपको बस इतना है कि आप लाल रंग यानी कि रेड कलर का इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत कम कर दीजिए, जब तक आपका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो जाता है या आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करना नहीं सीख लेते हैं। तो पहली चीज रेड कलर को, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग, या आपने एक चीज सुनी भी होगी कि कहते हैं कि सांड को अगर लाल कपड़ा दिख जाता है तो वो ज्यादा गुस्सा हो जाता है, ऐसा आपने सुना है, आपने देखा भी होगा। तो ऐसे ही होता है, जब हमारा गुस्सा होता है ना तो हमें कुछ भी नहीं दिखता। तो इसीलिए गुस्सा जिसको ज्यादा आता है उसको रेड कलर की चीजें कम इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि रेड कलर बहुत ही ब्राइट कलर है, वो आपके गुस्से को और भी ज्यादा जो है आक्रामक बना देता है, आपको बहुत ही अग्रेसिव बना देता है। तो इसलिए रेड कलर का इस्तेमाल पहले तो कम कर दीजिए। और दूसरा उपाय क्या है? तो भोले बाबा जो आपकी सभी परेशानियों का समाधान रखते हैं अपने पास, जो कि बहुत ही भोले होते हैं, जो आपके हर एक दुख को हर लेते हैं, आपके हर एक मनोकामना को पूरी करते हैं, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो आप ऐसा 11 सोमवार करके देखिए, 12वें सोमवार आपको ऐसा समझ में आएगा कि आपका गुस्सा धीरे धीरे कम हो रहा है। तो ये दो चीजें आपको करनी है, एक रेड कलर का इस्तेमाल कम करना है और दूसरा शिवलिंग पर हर सोमवार के दिन यानी मंडे के दिन जो है जलाभिषेक करना है। तो ये दो उपाय करके देखिए, आपका गुस्सा बहुत जल्दी कम हो जाएगा। और साथ ही साथ कोशिश करें कि अगर आपने किसी का दिल दुखा दिया है, किसी को गुस्से में आप कुछ कह देते हैं और बाद में आपको रियलाइज होता है, तो सॉरी कहने से पीछे मत हटिए, क्योंकि क्या होता है, गुस्सा सभी को आता है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले, जो अपनी गलती स्वीकार ले, जो प्रायश्चित करे, उस इंसान से जो है बड़ा कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए अपनी गलती अगर आपको समझ में आए तो सॉरी बोला जरूर कीजिए, बाकी कोशिश करें कि कंट्रोल करें आप गुस्से को। योगा, मेडिटेशन भी इन चीजों में आपकी हेल्प करता है। बाकी मेरे ये दो उपाय आपके लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होंगे, करके देखिए और अपने फीडबैक कॉमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।